हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। कैसे हैं आप सब लोग? और संडे के दिन सुबह सुबह आपका स्वागत है। शाम को पीआईबी के वीडियोस आते हैं और सुबह आते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वीडियोस। संडे को पीआईबी नहीं आता है, कल कोई सा भी लेसन नहीं आ पाया था, तो कल एक कई दिनों के बाद में मुझे छुट्टी मिली थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सारे आर्टिकल्स जो कल आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये संडे का सेशन है तो स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड रखने की मैं इसको कोशिश करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। काफ़ी सारे डिटेल्स हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, और उन सबसे पहले ये कोर्सेज जो पेनड्राइव कोर्सेज स्टडी आई क्यू के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। एंड अपडेटेड यूपीएससी का कोर्स भी लॉन्च्ड है, और जो सेल है आई थिंक दैट इज़ एंडेड नाउ, लेकिन ये कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। और जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो बिल्कुल भी आप छोड़िए मत। बात करते हैं जो क्वेश्चंस के जो मैंने आपको कल दिए थे। डेनमार्क टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखिए, डेनमार्क ने नहीं किया, फिनलैंड ने किया है, और डेनमार्क सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट पे फिनलैंड है, ये आप देख सकते हो। और इंडिया का जो नंबर है वो 140th है, बहुत पीछे है इंडिया, और सात प्लेस नीचे चला गया है, 133rd पे था। ये लगातार ही नीचे आ रही है, चार पांच सालों से देखा जा रहा है, और लगातार ये जो प्लेस हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस का है वो नीचे आ रहा है। अब पूरे वर्ल्ड में ही एक तो पोल्यूशन बड़ा रीज़न है कि कई कंट्रीज़ की रैंकिंग नीचे गई है, इंडिया भी उनमें से एक है, लेकिन वैसे भी जो क्राइसिस है वो बड़ा है। अब इस ऑप्शन में पूछा है कि लार्जेस्ट राइज जिनका हुआ है क्या उसकी लिस्ट नहीं, लार्जेस्ट लॉस जिनका हुआ है ये उनकी लिस्ट है। उन पांच कंट्रियों में से इंडिया आ रहा है जो सबसे ज़्यादा नीचे गिरा है इनका प्लेस। अब इंडिया 140th पे है। देखिए, पाकिस्तान की रैंकिंग है 67th, कितनी शर्मनाक बात है। चाइना की 93 है, नेपाल की 100 है, भूटान की 95 है, बांग्लादेश की 125 है, श्रीलंका की 130 है, और इंडिया 140th नंबर पे है। आप सोचिए कंडीशन क्या है। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN ये इसको रिलीज़ करता है, और सात स्पॉट हम नीचे चले गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन सबसे काफ़ी पीछे हैं हम। तो ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। इनइक्वालिटी का जो स्थिति है और बेरोजगारी का जो कंडीशन है, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो छुपते नहीं हैं। डेटा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस इंडेक्स के जो इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले जो आस्पेक्ट हैं वो अपेरेंट है, और उसके कारण आप यहाँ देख रहे हैं स्थिति कैसी है। 140th नंबर पर हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ बहुत सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, UNSDSN इसको जारी करता है, सारी 193 कंट्रीज़ को नहीं करता है, 156 कंट्रीज़ को इसने किया है अभी, और उसमें से 140th नंबर पे हम हैं, ठीक है। 193 को नहीं करता है, और ये जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमिक पावर हाउसेज जो हैं, जो टॉप 10 की कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो टॉप 10 में इसमें नहीं आई हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे US हो गया, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसकी टॉप 10 लिस्ट में नहीं आई है। कौन आई है टॉप 10 लिस्ट में? फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये तो तीन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ही हर लिस्ट में टॉप करती हैं। ये सबसे शानदार ये देश हैं, और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ये लोग हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक अगर बात की जाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ये, साइंस में काफ़ी अच्छे, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स यहाँ पे होते हैं, और जो एक रिलीजन का और जो एक्सट्रीमिज्म का जो इशू है वो लगभग नील है यहाँ पर। यहाँ कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करता इतना ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर, और वो जो सिविक्स है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और वहाँ के नागरिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार माने जाते हैं। हर चीज़ को अप्लाई करना और कंसेंसस वहाँ पर होना, और कोई भी कचरा नहीं फैलाना, और हर जो स्कीम कोई बनाई जाती है, कोई प्रोग्राम चलता है, तो उसको पूरा हार्टली उसको फॉलो करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। हालांकि छोटे देश में मैनेज करना आसान है, लेकिन जो उनकी समझदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए हर लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर ये कंट्रीज़ मिलती हैं। आइसलैंड देखिए, छोटा सा एक आइलैंड जैसा एक कंट्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के जो नॉवलिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निकलते हैं। तो ये है फ़र्क इन कंट्रीज़ का, रीज़न जो ऊपर रहने का। नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, ये बहुत ही शानदार कंट्रीज़ हैं। न्यूजीलैंड जो कहाँ पर एंड में जाके है, कितनी रिस्की कंडीशंस होती हैं एकदम ओशन के बीच में वहाँ पर, और लेकिन वहाँ पर भी अभी जो इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जो रिस्पांस वहाँ पर है वो आप देखिए क्या कैसा निकल के आ रहा है। और ये भी हमने देखा कि वहाँ पर कोई इसका रेटोरिक नहीं बनाया गया, कुछ भी ऐसा कोई चुनाव रैलियों के अंदर इसका नाम नहीं लिया गया, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, और उन्होंने चुप्पी रखी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी इसके ऊपर आई है, जो न्यूजीलैंड का जो क्राइसिस हुआ है कि उसको डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे हैं, वो उसको ज़िंदगी भर आइसोलेशन में रखेंगे जेल के अंदर। ये फ़र्क देखिए आप, ये जो डिबेट चल रही है कैपिटल पनिशमेंट वाली, और जिसमें जो एक आउट ऑफ इमोशंस जो नीड होती है, जो प्रेशर होता है, वो उसको डिफाई करके और एक राइट पनिशमेंट उसको दे रहे हैं कि उसको ज़िंदगी भर उसको ये वो करवाएंगे, मतलब एहसास करवाएंगे उसने क्या किया है, और वो आइसोलेशन में रहेगा, अकेला रहेगा वो इंसान पूरी ज़िंदगी जेल के पीछे।
तो ये कितनी एक देख सकते हैं कि ये लोग सोच समझ कर स्टेप उठाते हैं, इसलिए ये हर कंडीशन के अंदर, हर इंडेक्स के अंदर और टॉप पे रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया, ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है कि कोई सी भी कंट्रीज में अपियर नहीं हुई है। नेक्स्ट और ओसीरिस रेक्स फिर से इसका न्यूज़ में आया कि कुछ अनएक्सपेक्टेड जो डिस्कवरीज हैं इसने की हैं, ये नासा ने भेजा था ओसीरिस रेक्स। और एस्टेरॉयड बेल्ट जो आता है, देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट आप देखिए यहाँ अर्थ है, ये मार्स है, और वैसे तो एस्टेरॉयड बेल्ट इनके बाहर मार्स के बाहर होता है, उसके आगे फिर बड़े प्लैनेट स्टार्ट हो जाते हैं जो जुपिटर है, सैटर्न है, जो जायंट्स कहलाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ये और जो इनर प्लैनेट्स चार हैं, जो सबसे अंदर आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद अर्थ आता है, और उसके बाद मार्स आता है, उसके बाद ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट में ये छोटे छोटे मतलब जो रॉकी मटेरियल है वो मान सकते हो, वो सब मिलते हैं। अब उसमें से ये भी सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं, इनका भी अपना अपना ऑर्बिट होता है। तो एस्टेरॉयड बेनू जो है उसका साइज लगभग इतना बड़ा है, 500 मीटर का इसका डायमीटर आप मान सकते हो। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिका की है, आईफिल टावर है, ये इनकी साइज इतनी है और ये 500 मीटर का लगभग है। लेकिन इसके ऊपर आप देखिए ये घूमता है और इसका भी ऑर्बिट है, अर्थ का भी ऑर्बिट है। तो 2 अगस्त 16 के अंदर इसको भेजा गया था, दिसंबर 18 में, और ये पहुंच गया वहां पर। और रेगोलिथ एक्सप्लोरर ये है, मतलब कि वहां पर जो जमीन है, जो रॉक है, जो सरफेस है, उसको एक्सप्लोर करेगा, उसका मटेरियल इकट्ठा करेगा, और 2023 में ये वापस अर्थ पे सैंपल लेके आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरी है, और क्योंकि ये जो सारा एरिया है स्पेस के अंदर, यहाँ पर वेदरिंग नहीं होती अर्थ की तरह, यहाँ पर कोई गर्मी सर्दी या फिर केमिकल्स बारिश नहीं होते हैं, इसलिए जो भी कुछ वहाँ पर कुछ भी मतलब एक्टिविटी है या फिर कुछ भी मटेरियल जो है वो ऐसे कैसा इंटैक्ट है, वो हजारों लाखों करोड़ों सालों से वैसा का वैसा ही उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। इसलिए इनके ऊपर जो भी डिस्कवरीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी क्यों खोज की जा रही है, क्यों इनके ऊपर बातें की जा रही हैं, प्लूटो है और ये सारे जो एक्सपेडिशन हैं वो क्यों भेजे जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो स्टार्ट हुआ था सोलर सिस्टम या फिर उससे भी पहले का, अर्थ का ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन, ये सब ढूंढने के लिए और इन सब के ऊपर ये डिस्कवरीज करने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है एस्टेरॉयड बेनू की। तो मैंने आपको बताया कि अगस्त 16 में ये भेजा गया था, 2 साल बाद ये पहुंच गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर ये नज़दीक आता है। अब इसका एक तो ये खतरा है कि 2175 से लेकर 2199 तक चांसेस हैं कि 2700 में से एक चांस ऐसा है, मतलब कि हो सकता है कि ऐसा हो कि ये अर्थ से टकरा जाए। एक तो ये बड़ा रीज़न है इसके बारे में सारा जानने का। दूसरा, इसके ऊपर जो रेगुलस के ऊपर कोई वाटर का मॉलिक्यूल है या फिर कोई वैसे कोई ऑर्गेनिक मैटर है या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह कुछ भी अगर मिलता है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर डिस्कवरीज हो रही हैं। इसलिए भी इसका जो वापस लेके आएगा रेगुलस एक्सप्लोरर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए अब साइंस कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ बातें कर रहे हैं, हमारे देश में क्या डिस्कशन चल रहे हैं, और देखिए ये कहाँ साइंस पहुँच गया है। मतलब ये घूमते हैं सोलर सिस्टम के अंदर और उसके ऊपर हमने अपनी पहुंच बना ली है, वहाँ पर उसको भेज दिया है, टिका दिया है, वहाँ से एक्सप्लोर करेगा वो मैटर को और वापस लेके आएगा सरफेस के ऊपर से। ये उसके रियल जो सरफेस है बहुत ही डार्क सरफेस है और जितना सोचा गया था उससे एक्सपेक्टेड ज़्यादा ही कुछ मतलब यहाँ पर खोज हो रही है। नेक्स्ट है लेक बालकाश। लेक बालकाश कजाकिस्तान में ही है और कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। लेकिन अभी एक नया प्रपोजल आया है और वो पास भी हो गया है, उसका नया नाम, वहाँ एक इम्पोर्टेंट लीडर है नूर सुल्तान, उसके नाम पे नाम चेंज हो गया है नूर सुल्तान, इसलिए इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, सी बोथ इसका आंसर होगा। मैप में देखिए ये है कजाकिस्तान, ये है रशिया, ये यहाँ पर इसके कजाकिस्तान की टेरिटरी है, ये कैस्पियन सी है और यहाँ इसकी बॉर्डर लग रहा है इसके ऊपर, उज़्बेकिस्तान इसके नीचे है, ये अराल सी है जो कि बहुत स्पीड से ड्राई हो रहा है और जो यूनेस्को के डायरीज है हिस्ट्री की दुनिया के अंदर जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं जो गायब होती जा रही हैं, जो फ्यूचर में हमें नहीं मिलेंगी, उसमें से एक अराल सी आता है। जितना ये ओरिजिनली था उसका 10% से भी कम इसका एरिया रह गया है, सब कुछ इवेपोरेट हो गया है और बिल्कुल नमक बचा है ज़मीन के ऊपर। ये है लेक बालकाश जो पूरा कजाकिस्तान में पड़ती है और यहाँ पर है कैपिटल अस्ताना जिसका नाम था पहले और अभी नूर सुल्तान हो गया है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, लोकेशंस आप देख लेना किस किस की बाउंड्री लगती है, किर्गिस्तान की लग रही है, उज़्बेकिस्तान की लग रही है और ये कैस्पियन सी है और इधर रशिया है, ठीक है, मंगोलिया से नहीं लगती। अब देखिए छोटा सा एक पार्ट है जो रशिया का ही बाउंड्री आता है तो मंगोलिया से टच नहीं हो रहा है, आपसे पूछ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट IATA है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एजेंसी है जो पूरे इंटरनेशनल एयर ट्रेवल के रिगार्डिंग और काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। मॉन्ट्रियल जो सिटी है कनाडा के अंदर, वहाँ पर ये इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल सही है।
जेट एयरवेज नहीं है, ये स्पाइस जेट है जो फर्स्ट इंडिया का बजट कैरियर बन गया है, जिसने IATA को ज्वाइन किया है। इंडिया का पहला ये बजट एयरलाइंस है और इसमें वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारी एयरलाइंस है दुनिया की जो इसमें मेंबर्स हैं, 290 से भी ऊपर मेंबर्स हैं, तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा, नेक्स्ट ये गलत होंगे। नवरोज देखिए फेस्टिवल है और पारसीज का जो इंग्लिश में ज़ोरोअस्ट्रियंस बोलते हैं, ईरान में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ईरानियन ही लोग मेनली होते थे और यहाँ से इंडिया में भी बहुत सारे लोग आए थे और पारसी कम्युनिटी जो इंडिया की है वो भी इसको मनाती है, तो नवरोज फेस्टिवल उनका है, वो उनका न्यू ईयर ये मानते हैं। तो जर्मनी में स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि ज्यूज का नाम देख के कई लोग जर्मनी इसको कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है और डी वन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फॉल आर्मी वर्म या फिर आर्मी वर्म सिंपल नाम बोल सकते हैं, फॉल आर्मी वर्म मेनली इसका नाम है जिस जो स्पेसिफिक जिस स्पीशीज ने अटैक कर रखा है। ये एक मौत है, इस तरह के जो होते हैं ये मौत बोलते हैं इनको, और ये कॉर्डेटा कैटेगरी में नहीं आता, ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, जो सिंपल जीव होते हैं। कई स्टेजेस होती हैं इसकी लाइफ की, शुरुआती स्टेज अंडा से के बाद में जो लार्वा बनता है, कैटरपिलर जो लार्वा एक स्टेज होती है वो, सॉरी कैटरपिलर तो नहीं बोलेंगे लेकिन लार्वा स्टेज बोलेंगे, तो इस तरह से होती है शुरू में, ये काफ़ी ज़्यादा फीड करता है क्रॉप्स के ऊपर और लास्ट में ऐसा मौत बन जाता है। अब ये अटैक कर रहा है बहुत सारी क्रॉप्स के ऊपर, मेनली मेज की क्रॉप है, तो इसका आंसर मेज होगा और वीट नहीं होगा, मेनली मेज को करता है अटैक, लेकिन ये बहुत बड़ा स्केयर हो गया है क्योंकि बहुत स्पीड से और ख़त्म करता है सारा क्रॉप्स को, बहुत ही बड़ा स्केयर एशिया में आ गया है नया, एशिया में पहले नहीं था, ये मेनली अमेरिकास का एक मौत है या फिर ये लार्वा है जो वहाँ पर मिलता था, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा उड़ के इन्होंने क्रॉस करके कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर लिए हैं और ये इंडिया तक भी पहुँच गए हैं, तो ये बड़ा स्केयर हो गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ये आपसे पूछ सकते हैं, नेटिव ये अफ्रीका का नहीं है, अमेरिकास का है, तो डी नन इसका आंसर होगा। अब ये वर्ड्स जो मुझे मिले हैं और इनको आप सेंटेंसेस में यूज़ करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। देखिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एक जो है वो केरला के वेस्ट नाइल वायरस के रिगार्डिंग है, वो उसके बारे में हमने बात पहले कर रखी है, कुछ प्रिकॉशन और उसके रिगार्डिंग ही उन्होंने बात की है, तो कुछ स्पेसिफिक उसमें नहीं है जो कल के पेपर में आया था। ये हम बात करेंगे अफगानिस्तान वाली, इसमें भी अधिकतर इशू हमने डिस्कस कर रखा है पहले फरवरी में, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हमने इस इशू के ऊपर डिस्कस किए थे कि यूएस का विड्रॉल वहाँ पर हो रहा है और ये सारी कंट्रीज जो है वो बाउंड हो गई हैं तालिबान से बात करने के लिए, और हमारा जो स्टैंड है उसके रिगार्डिंग मेनली बात की है। अब देखिए जो एनवॉय हैं खलीलजाद, जो अभी इंडिया में विजिट उन्होंने इनकी हुई थी जनवरी के अंदर, उसके बाद से कुछ नई बातें इसके रिगार्डिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि ये नवंबर सॉरी 17 के एंड टाइम से ही ये बातें चल रही हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी कोशिश कर रही थी सारी, मेनली यूएस, और बाद में पॉसिबल हुआ था रशिया के हेल्प से कि जहाँ पर तालिबान को टेबल पर लाया गया और तालिबान से बात करना ज़रूरी हो गया और उसको ये मनाया गया, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट जो है वो अ काइंड ऑफ मिनिएचर यहाँ पर हो गई है और उसका कुछ इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि तालिबान का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान में हो गया है और जहाँ पर फोर्सेस विड्रॉ पूरी तरह से नहीं हुई हैं अमेरिका की वहाँ से, और वो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहते थे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई, और तालिबान ने ऐसे स्टेक्स रख दिए हैं कि वो भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपना स्टेक रख सकते हैं और वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सॉलिड स्टेप तालिबान की तरफ से भी नहीं आया कि वो वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे या फिर कैसे होगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है जिसके अंदर। अब देखिए साउथ एशिया की पॉलिसी आई थी ट्रंप की, उसके अंदर इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल था, ये अफगानिस्तान वाले सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट किया था कि इंडिया वहाँ पर हिस्सा लेगा प्रोसेस के अंदर, लेकिन हमने तालिबान के साथ जो हमारा एक पर्टिकुलर इक्वेशन है वो अच्छा नहीं है और हमने उस प्रोसेस से दूर रहने के लिए रखा था, हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग मॉरल प्रिंसिपल है और उसको हम मेंटेन किए हुए हैं, तालिबान का जो ब्रूटल तरीका है उसको हम बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते हैं, तो हमने उससे टॉक से दूर रहने की डिसाइड किया था, तो एक तरह से हम आइसोलेट भी हो गए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज अब सारी की सारी बाउंड हो गई उससे बात करने के लिए और हम उसमें बाहर रह गए। अब जब ये खलीलजाद आए थे जनवरी के अंदर, उसके बाद में हमारे जनरल विपिन रावत ने भी ये बोल दिया था कि हमें भी इस बैंड वेगन के अंदर घुस जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट जो वहाँ की अफगानिस्तान की है उसके ज़्यादा हम मतलब फेवर में हैं और उसके ज़्यादा इक्वेशन हमारा काफ़ी अच्छा है, लोगों के अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते हैं रहते हैं और हमारा जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है और वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया हर तरह से उसमें शामिल हो, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो तो कम हो गया और जो तालिबान है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ऐसे में ये काफ़ी
अजीब सी सिचुएशन इंडिया के लिए बन गई कि हम किस तरह से इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, क्योंकि नहीं भी होंगे तो भी सही नहीं है। एज ए बिग कंट्री और रीजनल कंट्री है और वहाँ पर इतने बड़े बड़े देश जब सब शामिल हैं उसके अंदर, और जो बात है अफगानिस्तान के लोगों के रहने की हमारे देश के अंदर, वैसे ही रशिया में भी वैसे ही अफगान नेशनल्स रहते थे, तो उनके कारण वो पॉसिबल हुआ कि रशिया की बात मानी तालिबान ने और वो टेबल पे आए बात करने के लिए। तो वैसे ही हमारा रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली तालिबान के साथ जो हमारा एक मॉरल स्टैंड है वो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं सीधा सीधा उससे बात करने के लिए। लेकिन एक अच्छा स्टेप हमने उठाया कि हमने बैकडोर एक अनऑफिशियल हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, लेकिन ओपनली हमने इसको एंडोर्स नहीं किया है तालिबान को, और जितना इंपॉर्टेंस सारी कंट्रीज दे रही हैं उतना हमने नहीं दिया है, इसलिए हम एक तरह से आइसोलेटेड से हैं। तो ये सिचुएशन प्रेजेंट की ऐसी है कि अफगानिस्तान भी गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो भी थोड़ी सी आइसोलेटेड एक पर्टिकुलर स्टैंड पे है, और इंडिया भी ऐसा ही स्टैंड के ऊपर है, वो वहाँ के गवर्नमेंट होते हुए भी और इतनी लेस इंपॉर्टेंस में चल रहे हैं। अप्रैल 19 में उनके चुनाव होने थे लेकिन वो अभी एक्सटेंड हो गए हैं और इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म हो सकती है। तो जो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा मतलब उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल फ्रेल हो गई है, कमज़ोर हो गई है, और तालिबान का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज कंडीशन ऐसी कि तालिबान चाहे कोई सी भी एरिया के अंदर और अपना डोमिनेंस जो है वो डिक्लेयर कर सकता है और उसको प्रूव भी कर सकता है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि हम किस तरह से इसमें डिसाइड करते हैं। तो यही सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है, और ये भी कह रहे हैं कि हमें एक्टिव पार्ट तो यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि हम इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, और जहाँ अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी बाउंड है इस चीज़ में इन्वॉल्व रहने के लिए, क्योंकि वो तो मेन गवर्नमेंट ही है। हालांकि उनका प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा है अमेरिका और इन सब के खिलाफ कि आपने तालिबान को इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों दी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उनकी खुद की जो जिसको एक वर्ड में सीधा सीधा बोले कि जो आज औकात की जो बात है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट कितनी नहीं रह गई जितनी तालिबान की वहाँ पर बढ़ गई है, इसलिए वो सब लोग ही उसमें बाउंड है। और अमेरिका का जो मेन रीज़न वो ये है कि यहाँ से पीसफुल और एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट हो जाए, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर जो कंट्रीज हेल्प कर सकती हैं वो उसकी हेल्प ले रहे हैं, वहाँ पर वो रशिया को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं, चाइना को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं, और पाकिस्तान से डायरेक्ट इसमें हेल्प मांगी जा रही है जहाँ पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट वो थे। तो ये रिपीटेड इश्यूज हैं, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें ये कह रहे हैं कि हमें ये देखना होगा, हम टोटली आइसोलेटेड नहीं रह सकते हैं इसमें। तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो एक जो एज ए डेमोक्रेसी और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है उसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लोइट करना चाहिए, थोड़ा सा उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 2001 में जब देखिए जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो था अफगानिस्तान में वो सिर्फ 10,000 था, आज वो 3,00,000 से ऊपर है। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन 90s वाली नहीं होने वाली है कि जहाँ पर लोग तालिबान को ही पूरा सर्वे सर्वा मान लें वहाँ पर और उसका ही सारा इन्फ्लुएंस वहाँ पर क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो लोग समझ सकते हैं और जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ये भी समझ सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव रोल वहाँ पर कितना अच्छा हो सकता है। और आप सोशल मीडिया वगैरह पर आप देखते होंगे आजकल, क्योंकि एक तो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा उनकी दुश्मनी सी हो गई है और वो बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं उस चीज़ के, और इंडिया के वो लोग काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स चल रहे हैं जो इंडिया को काफ़ी फेवर करते हैं, वहाँ के जो नॉर्मल जनता के कुछ लोग जो यूथ हैं वो चलाते हैं, वो काफ़ी फेवर में हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, आज के दिन की कंडीशंस हैं जहाँ पर इंडिया के पास मौका है, लेकिन हमारे पास रास्ता क्लियर नहीं है ऑफिशियली कि इंटरनेशनली हम उस चीज़ में कैसे इन्वॉल्व हों। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था जब बिपिन रावत ने ऐसा बोल दिया था कि हमें उसमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का स्टैंड था वो ये था कि हम इससे दूर रहेंगे क्योंकि वहाँ पर तालिबान को इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो कल को अगर तालिबान फिर से उसी रस्तों पर आ जाता है तो फिर हम उसको एंडोर्स जो आज करेंगे वो बिल्कुल ही गलत चीज़ हो जाएगी, उसको इतना इंपॉर्टेंस देना सही नहीं है। लेकिन सबकी मजबूरी है, अब मजबूरी में हम कितना साथ देंगे, अमेरिका चाहता है हमारा सपोर्ट लेकिन हम उसकी मजबूरी में कितना साथ दे सकते हैं, ये ऐसे सिचुएशन पर आके टिक गया है सारा मामला। ठीक है, तो यही सब इस आर्टिकल में बताया गया है, कोई नई बात इसमें नहीं है, बहुत बार ये चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट जो अफगानिस्तान में है वो 2001 के बाद से $3 बिलियन का हो चुका है, जो वहाँ की पार्लियामेंट हमने क्रिएट की थी, जो बिल्डिंग जो बनवाई थी हमने उसमें हमने हेल्प की थी, जिगरा जो एक उनकी पश्तून वाली के हिसाब से जो एक ट्रेडिशनल असेंबली होती है जो बहुत इन्फ्लुएंस रखती है वहाँ की पार्लियामेंट में और वहाँ के सारे मतलब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, दोनों अपर लोअर हाउस को ही जिगरा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में हम काफ़ी इन्फ्लुएंस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो कि प्रो इंडिया हैं। अभी जो कैंडिडेट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जो इलेक्शन के लिए प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं उनके ऊपर भी इंडिया का फेस है, क्योंकि वो भी प्रो इंडिया रहना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है वो भी जानते हैं, और कोई बड़ी कंट्री और नेबरहुड में अगर उनके साथ रहती है तो प्रोटेक्शन उनको भी चाहिए होता है। पाकिस्तान को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, वो जानते हैं पाकिस्तान की हालत क्या है, लेकिन इंडिया ग्रोथ कर रहा है वो इसको जानते हैं, लेकिन वो कैसे पॉसिबल हो उसके लिए वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नेक्स्ट
अब ये आपके लिए मोटिवेशनल भी है और आंखें खोलने वाला भी है और बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। कल शहीद भगत सिंह की जो तिथि थी जब उनको फांसी पर लटकाया गया था 23 मार्च 1931 को, तो पुण्यतिथि उनकी थी, लेकिन हम इसको पुण्यतिथि के रूप में ना देख के एक मोटिवेशन और लर्निंग के रूप में देखेंगे, रियलिटी को देखेंगे कि भगत सिंह जो एक बहुत ही गजब के यूथ थे, ये मान लीजिए जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट हो सकते हैं, उनमें से ये एक थे इस यंग एज के अंदर। देखिए मैंने आपको बताया कि लाइफ में ही सब कुछ होता है, जो भी आपके एस्पिरेशन है, जो भी फेलियर्स है, जो भी कुछ आप ग्रोथ करना चाहते हैं, हर चीज़ के अपनी इंसान के सपने होते हैं, हर चीज़ को पूरा करना चाहता है। यूथ फेज के अंदर सबसे ज़्यादा ये एस्पिरेशन रहती हैं। उस एज में कोई इंसान इंटेलेक्चुअल बातें करता है, एसेज लिखता है, देश के बारे में सोचता है, देश की यूनिटी के बारे में सोचता है, ये बोलता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और इक्विटी भी होनी चाहिए, मतलब इक्विटी मतलब हमारा शेयर भी होना चाहिए। तो ये सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं जिसको इन्होंने काफ़ी एंडोर्स किया था, सोशलिज्म को काफ़ी ज़्यादा ये मानते थे, उसके बाद में लेटर फेज में कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा मानने लग गए थे। आज जो हमारे देश में फेज है उसके अंदर ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझ में भी आ जाएगी कि क्यों भगत सिंह का इतना नाम आप नहीं देखते हो, जितना आप पटेल का देखते हो, जितना आप सुभाष चंद्र बोस का देखते हो, जितना और लीडर्स का आप नाम देखते हो पिछले कुछ सालों से, भगत सिंह का नाम आप इतना नहीं देखते हो, क्यों? ये सब पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि वो एक बिलीवर थे कम्युनिज्म के और सोशलिज्म के, और जो आज के इस माहौल के अंदर बिल्कुल ही सूट नहीं करता है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को, इसलिए शायद इनका नाम आप प्रैक्टिकली ज़्यादा नहीं देखते हो। लेकिन इसलिए इरफान हबीब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे लिखा है कि आइडियोलॉजी क्या थी भगत सिंह की, और हम जो एक मान नाम बोल देते हैं भगत सिंह, फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं और शहीद का वो नाम लेकर और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, एक्चुअल में हम समझते ही नहीं है कि क्या है। एक्चुअल में हम आज के दिन जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से इस देश में जो जिसको बोलते हैं सीधे वर्ड में एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाई जाए कि अंधभक्ति तो चल रही है, और उसमें हम जो लेफ्टी लेफ्टी करके गाली बकने लग जाते हैं, उसी लेफ्ट आइडियोलॉजी को ये लोग, ये जो हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट जो मार्टिर थे भगत सिंह, वो उसको फॉलो करते थे, क्योंकि उसके अंदर जो एक लेजिटिमेट चीज़ थी वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लाला लाजपत राय जो इनसे काफ़ी बड़े थे उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनके काफ़ी रिस्पेक्ट ये करते थे, सब यूथ ही उनके रिस्पेक्ट करते थे उस टाइम पर, बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उनका जो 1920s के अंदर और हिंदू महासभा के तरफ ज़्यादा इंक्लाइनेशन जब बढ़ने लग गया था तो इसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि जो इनकी जो लाइफ थी पूरा, जो इन्होंने एक रास्ता अपनाया था वो ये था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और ये जो रिलीजन और कास्ट के जो सारे डिविजन्स हैं वो सबसे बड़े और घातक चीज़ हैं, वो एक सुसाइडल पाथ है इस देश के लिए, ये उन्होंने बहुत अर्ली एज में समझ लिया था। और ये चीज़ सही भी, आप देखिए जन्म से ही आप किसी इंसान के ऊपर लेबल लगा दें और फिर जब भी उसके साथ रहेंगे तो आपके दिमाग में एक बायस रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको उस चीज़ को फील करा देता है, और वो एक फ़र्क जो है वो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी के अंदर घुस जाता है और वो निकल नहीं पाता है। तो ये इतनी घटिया चीज़ है, ये जो डिविजन्स है इसको उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए उन्होंने ये बोला था कि जो ये डिविजन्स हैं ये सुसाइडल पाथ है इंडिया के, और इस देश में अगर आगे प्रोग्रेस करनी है तो हमें और इस इक्वालिटी को सबसे पहले लाना पड़ेगा, जो इस देश में बिल्कुल भी नहीं है, वो इसके बिल्कुल ही खिलाफ थे। उन्होंने ये बोला था कि वेस्ट की तरफ हम देखते हैं, हम कैपिटलिज्म को गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो कैपिटलिज्म अपनाने वाले वो देश जो है उनकी अच्छी क्वालिटी क्या है, वो इक्वालिटी को मानते हैं, वो क्यों नहीं हम देखते हैं। हालांकि जो इश्यूज़ था जो ब्लैक्स का वाइट्स का वो एक अलग इशू था, वो लेकिन वो इस तरह से नहीं था जैसा इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर तो एक ये एक इसको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब ट्रेडिशनल वे है, और उस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा था 1920s के अंदर, जब ये अपनी जवानी के फेज में थे उस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा था। तो इन्होंने ये बोला कि हम उनकी अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि वो आज कहाँ पहुँच गए, उनकी क्या मतलब उनका स्टेटस है, क्या उनके पास पावर्स हैं, सब कुछ है, वो इतनी प्रोग्रेस जो कर चुके हैं वो क्यों कर पाए हैं, क्योंकि उनके देश के अंदर ये घटिया चीज़ें नहीं हैं, और इन चीज़ों के ऊपर आगे चलते हुए पॉलिटिक्स भी गंदी हो जाती है, और वही चीज़ आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। कास्ट के ऊपर ही सारी पॉलिटिक्स होती है, डिविजन्स के ऊपर ही होती है, और अब तो इतने बेशरम नेता हो गए हैं कि रिलीजन और कास्ट के ऊपर ही सारा खेल खेल रहे हैं और किसी भी चीज़ से हिचकिचा नहीं रहे हैं, और जहाँ बातें करते हैं बड़ी बड़ी और नाम लेते हैं बड़े बड़े लीडर्स का, लेकिन वो किस वैल्यूज़ के साथ लाइफ जीते थे उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है, जबकि उनके अगेंस्ट वो बिल्कुल चल रहे हैं। जहाँ पर ये बात करते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी को आज जो एक गाली दी जाती है, उसके अंदर क्या चीज़ थी, उसके अंदर जो आइडियोलॉजी थी जो लेजिटिमेसी थी उसको फॉलो करते थे भगत सिंह, और उन्होंने ये तक बोल दिया था, उन्होंने अनार्किज्म के ऊपर बहुत सारी राइटिंग्स लिखी थी, अनार्किज्म जहाँ पर कोई सरकार नहीं बसती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास है वो एक्सप्लोइट करना चाहता है डिविजन्स को, बस ये वो समझ गए थे।
और अंग्रेजों ने क्या कहते हैं, डिवीजन ही क्रिएट किए थे और उनके ऊपर ही वो सारा राज उनका चल रहा था, वो सेम चीज़ आज हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, इसलिए भगत सिंह की इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और इनका जो मार्टिरडम जो था वो कहीं ऊपर था इन सारे लीडर्स से जिनके नाम ले लेके हम अब ये सब करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा इनका एक शहादत थी उस टाइम पर, उस यंग एज के अंदर, 27 साल की एज के अंदर, और कोई इंसान ये डिसाइड करता है तो ये था। उन्होंने एक बुक लिखी थी वाई आई एम अथीस्ट, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ये बोला था कि कैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल रिलीजियस हैं, चारों तरफ मेरे जो लोग हैं वो भी सब रिलीजियस हैं, लेकिन मैं क्यों अथीस्ट बन गया, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई। उन्होंने एक जो एक स्वामी जी निर्मलांबा स्वामी जो थे उनकी राइटिंग्स पढ़ी थी, उसके बाद उनका इंटरेस्ट जगा था उसमें, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया कि इस देश में रिलीजन और कास्ट जो वो सिर्फ डिवाइड करने के लिए हैं, वो कभी यूनाइट नहीं कर सकते इस देश के अंदर। इसलिए वो अथीस्ट बन गए, वो नहीं मानते थे इन सब ब्लाइंड आइडियल्स को, या ये कह रहे हैं कि हम भगवान और डिविनिटी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसी के अंदर सारा फोकस करते हैं, उसी के अंदर सब कुछ हमारे लाइफ का इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो वर्ल्ड में सब कुछ हमारे सामने रियलिटी है जो हमें रियल में इंपैक्ट करती है, चाहे वो गरीबी हो चाहे वो इनइक्वालिटी हो, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते हैं उसको, हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं और हम भगवान की बात करते कर करके ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इतने ग्रेट आइडियल्स इस यंग एज में इस इंसान के थे और आज हमने पूरा भुला दिया है, क्योंकि जयंतियाँ मनाने से कुछ नहीं होता है, उनके आइडियल्स फॉलो करने से फ़र्क पड़ता है। उन्होंने 17 साल की एज में मतवाला नाम से 1924 के अंदर आर्टिकल लिखा था और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की थी, 17 साल की एज में यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की थी, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA इसके इम्पोर्टेंट फाउंडर मेंबर थे। पहले HSRA था, उसके बाद ये सोशलिस्ट इसमें वर्ड जोड़ा गया था, क्योंकि जो नीड इस देश को है वो सोशलिज्म की ही है, इक्वालिटी की ही है, क्योंकि इक्वालिटी जब तक नहीं होगी यहाँ सिर्फ एक्सप्लोइटेशन होगा, जो आज हम अपेरेंटली देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बेवकूफ़ी इतनी है इस देश में कि कैसे भी लोगों का दिमाग घुमा दिया जाता है, सही की सही चीज़ को भी एकदम गलत पोस्ट कर दिया जाता है और गलत चीज़ को भी सही बना दिया जाता है। ये सब मीडिया का एक शानदार रोल है जिस पे हम पूरा डिपेंडेंट हो गए, हमारी पूरी साइकोलॉजी मीडिया से जुड़ गई है, जो कुछ वहाँ दिखाया जा रहा है वही हम सोचते हैं, हमारा खुद का दिमाग ही लगाना हमने बंद कर दिया है, न हम पढ़ते हैं बायोग्राफीज पढ़ते हैं न हम ये करते हैं। इसलिए ये मैसेज है, और खासकर जो मेच्योरिटी चाहते हैं और अपने करियर के अंदर, उनको ये रियलिटीज़ पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। आप पटेल को भी पढ़िए, आप भगत सिंह को भी पढ़िए, आप गांधी को भी पढ़िए, आप नेहरू को भी पढ़िए, आप मदन मोहन मालवीय को भी पढ़िए, और आप दीनदयाल उपाध्याय को भी पढ़िए, सबकी लाइफ पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि आज जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे पॉलिटिक्स के अंदर भाषणों में हो, वो रियलिटी से कितना दूर है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइस एडमिरल करमवीर सिंह, ये नेक्स्ट चीफ बन गए हैं नेवी के, और इसमें एक इशू ये आया है कि ये फिर से वही इशू आ गया जो सुप्रीम कोर्ट में चला था कि, और जो जो इंडियन आर्मी में जो जनरल विपिन रावत को जब बनाया गया था तो सीनियोरिटी को नहीं अपनाया गया था, एक और इनसे सीनियर है जो मिस्टर वर्मा है, और उनको नहीं चूज करके, और उनके नेक्स्ट जो है वाइस एडमिरल जो कि करमवीर सिंह है, उनको अब नेवी का चीफ बनाया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन उठते हैं कि कन्वेंशंस को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या रीज़न है। ऐसे विपिन रावत को जब बनाया गया था उनसे एक सीनियर एक और थे, लेकिन उनको इग्नोर करके और विपिन रावत को चूज़ किया गया था, और अभी नेवी के अंदर ये चीज़ हो रही है। सुनील लांबा भी प्रेजेंट में है और ये रिटायर होने वाले हैं, और अभी ये 24th बन जाएंगे नेवी चीफ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके रिगार्डिंग बात पिछले दिनों से काफ़ी कम हुई थी, अभी ये जैसे जद्दोजहद में लगे हुए थे कि यूरोप के अंदर कैसे एंट्री मिले, और खासकर G7 कंट्रीज जहां सारे बड़े बड़े देश हैं उसके अंदर एक कंट्री आता है इटली, और इटली ने इसके लिए हाँ भर दी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, और USA का पूरा इससे जो मामला है वो गड़बड़ा गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, वो हमेशा ही इनके एक्सटेंशन को लिमिट करना चाहते हैं, इनकी पावर को लिमिट करना चाहते हैं, और उसी G7 ग्रुप में जहाँ पर USA भी है और जहाँ पर ये कंट्रीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, और इटली उसमें से एक है, और वो अगर साथ देता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना के, तो ये चीज़ यूरोप के अंदर उसकी पूरी परफेक्ट एंट्री की तरह मानी जाती है, और ये चाइना इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है कि इटली ने इस चीज़ को एंडोर्स कर दिया, तो ये बड़ा कंसर्न है, और इसके ऊपर लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, बड़े आर्टिकल्स नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं, क्योंकि ये कोई छोटा इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू है एशिया के बाद में, अब यूरोप के अंदर एंट्री जो सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री मानता है जो चाइना है, और वो अब पॉसिबल हो जाएगी इटली के थ्रू, क्योंकि एंशियंट सिल्क रूट जो था वो भी उस उधर से ही जाता था, अब यूरोप
ऊपर तो यूरोप जाता है चाइना से और इधर एशिया में ये रास्ता निकलता है, तो इधर तो ये सब पॉसिबिलिटी हो गई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्वादर पोर्ट वगैरह यहाँ तक आ गया सब कुछ। इधर जो है यूरोप में वो अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाया था। अब इटली जब इसकी हामी भर चुका है तो मिस्टर कोंटे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, उन्होंने इसके लिए पूरा हैंडशेक कर लिया है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड का जो इंसिडेंट हुआ था, 49 लोगों की जो जान गई थी और जिनको सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर गोली मार के सारा इवेंट लाइव किया गया था, उस इंसान को वो मार नहीं रहे हैं। अर्डोगन जो है टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो सीधा कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी जो न्यूजीलैंड में बैन है उसको रिवर्स किया जाए और उसको लटकाया जाए फांसी के ऊपर, लेकिन ये कह रहे हैं फांसी पे नहीं लटकाएंगे हम उसको, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको महसूस करवाएंगे उसने क्या किया है। क्योंकि देखिए ऐसी चीजें सामने आती हैं, एक की जो मारा गया था एक इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के अंदर, एक्सीडेंट नहीं था मतलब एक किलिंग थी, सॉरी एक्सीडेंट गलत वर्ड है, किलिंग थी, और उसके अंदर जो एक मारा गया था उनके फादर ने ये बोला कि मैं उनको माफ़ करता हूँ, उनको नहीं पता कि उसने क्या किया है। तो ये एक ह्यूमैनिटी का जेस्चर्स हैं बहुत ही बड़े, जो इस वर्ड को समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बदला लेने की पॉलिटिक्स चल पड़ेगी, बदला लेने के तरीके चल पड़ेंगे तो कभी उसका एंड आएगा ही नहीं, क्योंकि एक वुंड होता है तो वो फिर पास्ट भूल जाता है कि उसने खुद ने क्या किया है, वो बस ये याद रखता है कि मैं कितना हर्ट हूँ आज, और उसका जवाब देने की वो कोशिश करता है एक के बाद एक, हर एक दूसरे के साथ यही चीज़ होती है, इसका कभी एंड नहीं होता है। उन्होंने बोला कि मैं इसको माफ़ करता हूँ और गॉड इसको ये बुद्धि देगा कि इसने क्या किया इसको महसूस होना चाहिए। और अभी इनका जो ऑफिशियल एक डिक्लेरेशन ये आया है कि वो उसको बिहाइंड द बार्स रखेंगे लेकिन आइसोलेटेड रखेंगे, किसी से मिलना नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब एक्चुअल पनिशमेंट होगा। अब सोचिए किसी इंसान को अकेले को बंद कर दिया जाए और पूरी ज़िंदगी के लिए, तो वो कितना हार्श पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट जो होता है फांसी पर लटकाना उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये पनिशमेंट है। तो ये उस डिबेट से भी जुड़ता है जो पूरी दुनिया में चल रही है, जिसके ऊपर आर्टिकल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। नेक्स्ट गोलान हाइट्स क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार दिया है, जो सीरिया है, सीरिया का सबसे वेस्टर्न पार्ट जो है एक स्ट्रिप सा है वो गोलान हाइट्स उसको बोलते हैं, और उसके इधर जो इसराइल पड़ता है, इसराइल ने इसके ऊपर कब्जा किया था। और मैंने आपको ये भी पूछा था कि कौन सी वाली पर्पल लाइन है, कौन सी वाली ग्रीन लाइन है, इसके क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिए थे जनवरी के अंदर, तब भी हमने डिस्कस किया था, और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा देखना, ग्रीन लाइन पर्पल लाइन ये क्या है, ये कब बनी थी, कब ये लड़ाई हुई थी और कब कब इसराइल ने जो है इन देशों के ऊपर कब्जा किया था, कौन कौन से एरियाज के ऊपर, इधर गाजा स्ट्रिप है और इधर नीचे सिनाई पेनिनसुला है, इधर ये गोलान हाइट्स है और ये सीरिया का पार्ट है जो इन्होंने कैप्चर किया है। अभी ट्रंप ने सीधा ये बोल दिया है कि गोलान हाइट्स इसराइल का पार्ट माना जाए। अब ट्रंप तो सारी ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, ये वर्ड रेनाउंड है कि ये सीरिया का पार्ट है और ये कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, लेकिन अब इसके ऊपर फिर से ये बात खड़ी हो गई है कि उनके सारे डिसीजन जो है वो इसराइल के ज़्यादा फेवर में है, और वो ओपनली ऐसी बातें बोल चुके हैं। जैसे उन्होंने ये बोला था कि तल अबीब की बजाय सारा, एक तो जो उन्होंने अपना मूव किया था एम्बेसी को जेरूसलम के अंदर, कि जेरूसलम को ही कैपिटल माना जाए, इसराइल का पार्ट माना जाए पूरा पूरा, जो कि पूरा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि पैलेस्टाइन का जो टेरिटरी है और वेस्ट बैंक जो मेन एरिया है उसके अंदर वो है, और वहाँ पर ये कंट्रोवर्सी है कि किसी भी देश की एम्बेसी इसराइल के अंदर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने डिसाइड किया कि उसको कंट्रोवर्शियल किया जाए, वहाँ पर हम उसको शिफ्ट करेंगे तेल अभी में जहाँ पर सारी एम्बेसीज है वहाँ से हटाकर और जेरूसलम में लाई जाए। तेल अभी इस मेडिटेरेनियन कोस्ट के ऊपर है और इधर वेस्ट बैंक के ऊपर जेरूसलम है, तो वो कंट्रोवर्शियल एरिया। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और ये एक बहुत सारे इश्यूज इसराइल के रिगार्डिंग ये आते हैं कि उसने बहुत सारी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया हुआ है जो कि इलीगल है, और वहाँ पर कॉलोनीज भी बसाने की बात है। तो ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे गोलान हाइट्स के रिगार्डिंग, पहले भी पूछा गया सीधा क्वेश्चन कि गोलान हाइट्स कहाँ पर है और एशिया में यूरोप में कहाँ पर है, तो ये फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटरनेशनल मैप आपको ज़रूर से देखना है, मैप क्वेश्चन आज का आपका है। JKLF को बैन किया है सेंटर ने, एंटी टेरर लॉ है जो UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसकी हिस्ट्री में जाए तो 1963 के अंदर और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एक देश में हमारे होती है, उसने इसको कमेटी बनाकर और ये रिकमेंड किया था कि ये बनाई जाए, जिसमें कहां कहां पर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर लगती हैं और राइट टू असेंबल पीसफुली इसके ऊपर लगती हैं, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस भी आप नहीं बना सकते हो, तो ये सब कैंसिल हो जाते हैं UAPA लगने के बाद में। और अभी सेपरेटिस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो उनके ग्रुपिंग्स हैं, उनको बैन किया जा रहा है। अभी इन्होंने बैन किया था जो रिसेंटली एक जो ग्रुप था मैं उसका नाम भूल गया हूँ, जमात इस्लामी, उसको बैन किया था। अभी इन्होंने JKLF को बैन कर दिया है, यासिन मलिक जो उसके इम्पोर्टेंट लीडर हैं।
ठीक है, और उसके बाद में इसकी उसके नेक्स्ट जाया जाए 67 में जब इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी, तो आपसे पूछ सकते हैं कब ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ये अमेंडमेंट्स इसके अंदर आए हैं। बीच में एक कोटा भी आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पहले आया था, उसके बाद वो एक्ट बना था, उसके बाद उसको विड्रॉ किया गया था। तो ये सारे अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर हुए हैं यूएपीए के अंदर। इसके तहत बहुत सारे लोगों को और जेल में डाला गया है 2018 और 17 के अंदर भी, जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो थी प्रोफेसर वगैरह उनको भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर और जेल में डाला गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी सेम उसी के तहत कश्मीर में ये बैन किए जा रहे हैं। अब ये एमसीक्यूज है, आप इनके एडिशनल डेटा को ढूंढना और सर्च करना, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब आपको कोई भी एस्पेक्ट छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चंस का, स्पेशली मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस और या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इससे बहुत सारे मिल जाएंगे, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन के हों चाहे वो करंट अफेयर्स के हों। थैंक्स अलॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी, और टाइम बहुत कम है, लगे रहिए बिना कोई फ्रस्ट्रेशन के, सोचिए मत, बस लगे रहिए। थैंक्स अलॉट, पीडीएफ आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगी, इस ग्रुप पर टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा।